माइल इंडिया सोसाइटी द्वारा मानगो में मीठे शरबत का किया गया वितरण, राहगीरों को कुछ हद तक मिली राहत। पूरे देश समेत झारखंड के जमशेदपुर में भी काफी गर्मी बढ़ गई है, इसके साथ लोगों को बढ़ते ह्यूमिडिटी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में राहगीरों को प्यास की शिद्दतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्माइल इंडिया सोसाइटी द्वारा मानगो के चेपा पुल में ठंडा शरबत का वितरण स्टॉल लगाकर किया गया। इस संबंध में स्माइल इंडिया सोसाइटी के संचालक मोहम्मद तहशीन हाशमी ने बताया कि शहर का तापमान तो पहले से काफी बढ़ गया है, लेकिन जो लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए कमानी धूप में निकल रहे हैं, उन्हें यहाँ स्टॉल लगाकर ठंडा शरबत पिलाया जा रहा है। देखिए, शरबत वितरण हमारे संस्था स्माइल इंडिया सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें इनके प्रॉपर्टी और ब्राइट इलेक्ट्रिकल हमारे सहयोगी है, जो हमेशा ही हमारा सहयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से गर्मी बेइंतहाशा है और मौसम विभाग के अनुसार ये पता चल रहा है कि 3-4 दिन अभी ऐसे ही गर्मी रहेगा। तो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, बहुत ही ऐसे भाई लोग हैं जो बिना कमाए उनका गुजारा हो ही नहीं सकता है, तो वो सड़कों पर निकल रहे हैं मजबूरी में। तो उन लोगों के लिए हम लोग शरबत वितरण कर रहे हैं और हम लोग हर साल करते रहते हैं, इस साल भी कर रहे हैं, थोड़ा देर हो गया है लेकिन हमेशा होता ही रहेगा। हमारे सहयोगी सारे साथी लोग इसमें लगे हुए हैं सुबह ही से। आप अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद तहसीन हाशमी, संचालक स्माइल इंडिया सोसाइटी। आजा भाई है, मुन्ना भाई है, नसर भाई है ब्राइट इलेक्ट्रिकल की तरफ से, उन्हीं के दुकान के पास ये हम लोग स्टॉल लगाए हैं और हमेशा लगाते ही रहेंगे। धन्यवाद।